मध्य प्रदेश के 28 रिटायर्ड आईएफएस अधिकारियों ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को एक पत्र लिखा है। इसमें उन्होंने सीएम से राज्य के वन और वन्य जीवों की रक्षा के लिए तत्काल कार्रवाई करने की मांग की है। पत्र में लटेरी में बड़े पैमाने पर पेड़ों की कटाई और बुरहानपुर जिले में वन भूमि पर अतिक्रमण की घटनाओं का खास तौर पर जिक्र किया गया है। साथ ही वन अधिकारियों पर बढ़ते हमलों के बारे में चिंता जताई है। हाल ही में बुरहानपुर की घटना में 2500 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन पर अतिक्रमण का मामला सामने आया। बुरहानपुर के साथ ही गुना, छिंदवाड़ा, खंडवा, खरगोन और बाकी जिलों में इस तरह की घटनाएं रिपोर्ट हुई है। रिटायर्ड अधिकारियों की मांग है कि हाई रिजोल्यूशन इमेजरी का उपयोग करके बुरहानपुर में जंगल के नुकसान का आकलन किया जाना चाहिए। दसूत्र ने इस पूरे मामले में रिटायर्ड वन अधिकारी जगदीश चंद्रा से बात की तो उन्होंने वन अतिक्रमण को लेकर चिंता जताई। भारतीय वन सेवा के जो रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं, जब उनको पता लगा कि ये बुरहानपुर में एक बड़ा गंभीर मामला हो गया है, लगभग 2500 हेक्टेयर की जमीन पर अतिक्रमणकारियों ने अतिक्रमण किया है या प्रयास किया है, और सैकड़ों की संख्या में घुस करके उन्होंने वहाँ के स्टाफ को, पुलिस बल को और जो राजस्व के अधिकारी गए थे उनको भी खदेड़ा और उन पर हमले किए। खबर तो यह है कि इसमें लगभग 13 उनके वन विभाग के कर्मचारी और कुछ ग्रामीण भी घायल हुए इसमें। तो निश्चित रूप से जो विभागीय अधिकारी जो समय ड्यूटी पे हैं, सेवा में हैं, वो तो अपना कर्तव्य कर ही रहे हैं। हमें लगा कि हम भारतीय वन सेवा के रिटायर्ड अधिकारी भी इस मुद्दे को माननीय सीएम के पास लेके जाएं और अपनी बात कहें कि वन बचाने का दायित्व फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ साथ मैं समझता हूँ कि हर व्यक्ति और नागरिक का है। अगर मैं इसको इस तरह से बताऊँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा कि संविधान की धारा, एक धारा है 51A, वो ये कहती है कि यह प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा, ड्यूटी होगी कि वह अपने एनवायरनमेंट के साथ साथ लेक, फॉरेस्ट, नहर, नदी, नाले, जीवन के वन प्राणियों को और क्रीचर्स, जो भी क्रीचर्स, कीड़े मकोड़े तक को बचाए और उनके प्रति एक सहानुभूति, कंपैशन का भाव रखे। तो जब ये प्रत्येक नागरिक का धर्म है, कर्तव्य है, तो वहीं अगर हम बात करते हैं तो धारा 51 के साथ साथ धारा 48A भी है एक, वो कहती है कि यह राज्य की जिम्मेदारी होगी कि वो है अपने राज्य जो है अपने आसपास के वनों को, अपने राज्य के वनों को बचाए और उनकी सुरक्षा करके उनका विकास करें। तो ये सब सोच करके हमने माननीय सीएम साहब को एक आवेदन दिया है। दसूत्र की खबरों को देखने के लिए प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर से डाउनलोड करें हमारा ऐप दसूत्र। आप हमारी खबरें dasutra.com पर भी देख सकते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। साथ ही यूट्यूब पर भी हमें सब्सक्राइब करें। यदि आपकी नहीं हो रही कोई सुनवाई और आपके पास है कोई खबर तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 7000024141 पर भेजिए और बनिए हमारे सूत्र।